बिस्किट्स में ये होल क्यों होते हैं? एक ऐसा आदमी जिसने लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दी, एक ऐसा रनवे जहां दो लोगों की कब्र बनी हुई है, और क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा भरना पड़ता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, अभी जो फोटो आप देख रहे हो ये एक आर्टिस्ट का है जो ये बताता है कि हम ह्यूमंस कितने ज्यादा सेल्फिश हैं और हमें ये चाहिए जो सामने वाले के पास हो या हमारे पास ना हो। जैसे कि लैंड वाले को बोट चाहिए क्योंकि उसे आइलैंड से निकलना है, और दूसरे आदमी को लैंड चाहिए क्योंकि उसे बोट से निकलना है। तो इसमें से सही डिसीजन दोनों का भी नहीं है, पर फिर भी दोनों को ऐसी चीज चाहिए जो उनके पास नहीं है। नंबर 19, सांप अपने खाने को चबाता नहीं है, डायरेक्ट निगल जाता है, जो कि कमाल की चीज है। और इसीलिए जिस सांप ने अभी ही खाना खाया होता है उसका एक्सरे बहुत कमाल का आता है। जैसे कि ये देखो, ये एक्सरे है सांप का जिसने अभी ही खाना निकला है, और इतने जल्दी बोन डाइजेस्ट नहीं होते जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे सांप के अंदर एक और जानवर हो, या फिर ऐसा दिखता है जैसे सांप प्रेग्नेंट हो। नंबर 18, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी था जो कि लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दिया, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो ये फैक्ट जान लो, जिम्बाब्वे में रहने वाला एक आदमी था जिसे लैम्बोर्गिनी चाहिए थी और वो गॉड पे बहुत बिलीव करता था, तो इसीलिए उसने एक बार शर्त रखी कि जब तक गॉड उसे लैम्बोर्गिनी नहीं दे देते तब तक वो उपवास रखेगा और कुछ भी हो जाए वो अपना उपवास नहीं तोड़ेगा। और जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया, उसने उपवास रखा और ये उपवास 40 दिन तक चलता रहा, और उसके बाद उसे लैम्बोर्गिनी तो नहीं पर मौत मिल गई। उसने कुछ भी नहीं खाया और इसीलिए वो वीकनेस से मर गया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही गॉड आपको कुछ देगा, और बिना मेहनत के कितना भी प्रे कर लो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 17, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और उन्हें आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, और इसी वजह से वो हर एक चीज नोटिस तो करते हैं पर वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस झगड़े में पड़ना या इस चीज को करना उनके टाइम के लिए वर्थ इट नहीं है। भले ही वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो, फिर भी उनको लगता है कि वो काम करना या उनके बीच में पड़ना टाइम वेस्ट है। नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया के कमाल के ओपनिंग बैट्समैन फिल ह्यूक्स जब ऑन फील्ड मर गए थे एक बाउंसर बॉल की वजह से, तब इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान के सामने एक भी बाउंसर नहीं डाला और इंग्लैंड टीम ने फिल ह्यूक्स को ट्रिब्यूट दिया, और ऐसे सब रीजन की वजह से ऐसा लगता है कि इस टीम का कोई भी हेटर नहीं होगा। नंबर 15, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही अनइवन तौर से बिखरी हुई है, और इस चीज को समझाता है ये फोटो। यहाँ पे जितने भी एरिया ब्लू कलर में है वो सबकी पॉपुलेशन ये जो छोटा सा रेड कलर में है उतने में है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन इस रेड एरिया में रहते हैं उतनी ही पॉपुलेशन सारी ब्लू एरियाज में रहते हैं। और आप देख सकते हो रेड में कितनी कम जगह के बाद भी इतने लोग हैं, और ब्लू में इतनी सारी जगह होने के बाद भी कम पॉपुलेशन है, और इसीलिए मैंने कहा था अर्थ अनइवन तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर 14, पानी और पत्थर दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? अगर आप पत्थर कहते हो तो आप गलत हो, रियल आंसर है पानी। पानी पत्थर से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस चीज को बताता है ये फोटो। नॉर्वे में एक पत्थर है जो ऐसे शेप में हो गया है, और इसका रीजन है कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। पानी पत्थर को धीरे धीरे करके काट देता है, और इस पत्थर के साथ ऐसा ही हुआ। और बस यही स्टोन नहीं, ऐसे कई दूसरे भी पत्थर हैं जिसका शेप अजीब हो गया है पानी के फ्लो की वजह से। नंबर 13, पूरे दुनिया में शादी से पहले अपनी अपनी अलग रस्म होती है, पर वियतनाम में एक काफी अजीब रूल है जो धीरे धीरे ट्रेडिशन बदल रहा है। तो वियतनाम में शादी से पहले आपके फैमिली डॉक्टर से पूछा जाता है, या फिर आपका टेस्ट किसी डॉक्टर से करवाया जाता है कि आपका मेंटल हेल्थ साउंड स्टेबल है, और अगर वो हाँ कहते हैं तो ही आपकी शादी की जाती है, और अगर वो ना कहते हैं तो आपको एक साल स्किप करना पड़ता है। हाँ, मतलब आपकी शादी होगी या नहीं ये तो डॉक्टर पे डिपेंड है। नंबर 12, आजकल मूवीज वेब सीरीज ये सब बहुत ट्रेंडिंग में है, और वेब सीरीज में सबसे ज्यादा फेमस है गेम ऑफ थ्रोन्स। और वेब सीरीज का अगर एवरेज देखें तो 12% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक गेम ऑफ थ्रोन्स का एक भी एपिसोड नहीं देखा, मतलब इतने सारे लोगों में से बस 12% लोग, और बस 0.1% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम भी नहीं सुना। नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक ऐसा रनवे
रनवे है जहां दो लोगों की कब्र है, यानी कि एक रनवे जहां रोजाना 100 से भी ज्यादा प्लेन लैंडिंग करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, वहां पे दोनों लोगों को दफनाया गया है जैसा कि आप रनवे में देख सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे ये यहां पे कहां से आया, तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान प्लेन्स को लैंडिंग करने के लिए कम जगह मिल रही थी, तो इन्होंने आसपास के लैंड को रनवे में कन्वर्ट करने का सोचा और रनवे बनाते समय ये दो कब्र के पास पहुंचे और ध्यान से देखने पे पता चला कि ये किसी फैमिली का कब्रिस्तान है और ये दो जो कब्र थी वो रिचर्ड और कैथरीन डॉटस्टोन की थी। रिचर्ड के ब्रिक पे लिखा था एट रेस्ट और कैथरीन डॉटस्टोन के ब्रिक पे लिखा था गॉन होम टू रेस्ट, और ये देख के वर्कर को इसके ऊपर रोड बनाना सही नहीं लगा। तो फिर वहाँ के इंचार्ज ने ये आइडिया दिया कि यहाँ पे इनके ट्रिब्यूट में हम ऐसा रनवे बना देते हैं जहाँ इनकी कब्र भी हो और हमारा रनवे भी बन जाए, और फिर ये रनवे ऐसे बन के तैयार हुआ। नंबर 10, क्या आपको हाथी के बारे में कमाल की बात पता है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी एलिफेंट का बेस्ट फ्रेंड या उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो एलिफेंट होता है वो भी ज्यादा टाइम तक जीता नहीं और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, झुंड से अलग अलग चलने लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन में चला गया हो। नंबर 9, एक रैपर था जिनका नाम था ट्यूपक और वो अपने बैंड के साथ पॉप वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस थे, लोग उनके गाने बहुत पसंद करते थे, पर अचानक से एक दिन उनकी डेथ हो गई। उस दिन कई पॉप फैंस उदास हो गए थे और उनका बैंड भी काफी ज्यादा उदास हो गया था, और अपने एक बैंड मेंबर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ट्यूपक की जो अस्थियां थी उसको तंबाकू में डाल के स्मोक कर लिया। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने ट्यूपक को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको स्मोक कर दिया। थोड़ा रिस्पेक्ट देने का तरीका हटके है, पर उम्मीद है ट्यूपक को पसंद आया होगा। नंबर 8, डॉग से ज्यादा लॉयल जानवर शायद ही कोई होगा और इसीलिए डॉग को कोई भी बुरी चीज नहीं सिखानी चाहिए, वरना आपका हाल इस आदमी के जैसा हो सकता है जिसने अपने डॉग को लोगों पे ईंट फेंकना सिखाया था, वो भी तब जब वो आपकी डोरबेल बजाएगा, और इस वजह से डिलीवरी बॉय, मेलमैन और गेस्ट कई बार इंजर्ड हुए और कुछ लोगों को घातक इंजरीज भी हुई, और डॉग ईंट फेंकने के बाद फिर से उसको उठा के वापस भी ले आता है और बस अपने मालिक पे और बाकी घर वालों पे नहीं फेंकता, और इसकी वजह से जब उनके पड़ोसी को चोट लगी तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और इस डॉग का मालिक फिलहाल जेल में है अपने डॉग को इस तरीके से ट्रेन करने की वजह से। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़की है जो 13 साल की है पर उसका दिमाग बस 1 साल का है और उसे तो कोई भी मेंटल इलनेस भी नहीं है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए जेनी विली के बारे में। इस छोटी सी लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जब पैदा हुई थी तो इसके पेरेंट्स ने इसे एक रूम में बंद कर दिया और इसके बारे में भूल गए, पर किसी तरह से ये फिर से जिंदा बच गई। इतने सालों से क्या खाया और कैसे खाया किसी को नहीं पता। इसके दोनों पेरेंट्स को अमनीशिया हो गया था जिसकी वजह से ये अपने बच्चे के बारे में और एक दूसरे के बारे में भूल गए, और जब इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया तब ये 13 साल की थी, पर रिसर्च में पता चला कि इसका दिमाग बस 1 साल जितना है। इसको ना ही बोलना आता है और ना ही ठीक से चलना, पर अब इनका बहुत अच्छे से ख्याल किया जा रहा है और डॉक्टर का मानना है कि अगले 4 सालों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 6, आजकल लोग पैसों के लिए कुछ भी बेच रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीजों को खरीद भी लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्रेश कोस्टल एयर बेचती है, यानी ऐसे बीच के हवाएं को बेचती है, और ये हवा 7,000 रुपए में आपको 700 ml की मिलती है, और सबसे अजीब बात यह है कि इन बॉटल्स को आज तक 1,000 से भी ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। नंबर 5, अभी जो आप ये फोटो देख रहे हो इसे देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये एक रेस ट्रैक है, तो आप पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़े बहुत गलत हो। ये फियट जो एक कार कंपनी है इसके एक ओल्ड फैक्ट्री का रूफ है, यानी इसकी छत है, और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ऊपर कार लेके जाने में आसानी भी हो और फिर कार को उसकी बेस्ट टॉप स्पीड में टेस्ट भी कर पाए। यहाँ पे कार को फुल स्पीड में चला के टेस्ट किया जाता है और उसके बाद शोरूम में भेजा जाता है। नंबर 4, सीट बेल्ट हर साल कई लोगों की जान बचाते हैं क्योंकि कार क्रैश में जो झटका होता है वो आपके स्कल कुचलने लायक जितना
स्ट्रॉन्ग होता है। पर ऐसे में आपने एक चीज के बारे में सोचा होगा कि सीट बेल्ट इतने फोर्स में हमारी बॉडी पे चिपकते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कुछ नहीं होगा क्या? अगर नहीं सोचा तो फिर भी आज देखोगे, ये इमेजेस देखो जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी जान बचाने वाली सीट बेल्ट जाते जाते हमें क्या निशान दे जाती है। ये है हमारी जान बचाने का प्राइस। ये एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हमारा खून जम गया है और बॉडी पे निशान आ गया है। कई बार तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बॉडी में से ब्लड भी बाहर आ जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा है? उस लैपटॉप को MJ कंपनी ने बनाया है और उस लैपटॉप का नाम है MJS स्वारोवस्की और ये लैपटॉप को डायमंड स्टडेड लैपटॉप भी कहा जाता है। इसकी कोई ज्यादा बड़ी खासियत तो नहीं जैसे कि सुपर पावरफुल स्पेक्स या फिर बहुत अच्छा मॉनिटर या कीबोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। इस लैपटॉप में बस 8GB रैम है और प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। पर जो चीज इसे महंगा बनाती है वो है इसका बैक। इसके बैक में डायमंड्स हैं और इसके स्पेस बार में एक डायमंड है और इन सब डायमंड की वजह से इसकी प्राइस करीब $3.5 मिलियन है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। नंबर 2, इंटरनेट यूज करते समय आपने एक ना एक बार रीकैप्चा तो भरा ही होगा जो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप रोबोट हो या नहीं। सुनने में तो ये एक टाइम पास लगता है पर ये वेबसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम करके बॉट बना लेते हैं जो कि एक ही चीज को रिपीट करते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि समझो किसी वेबसाइट पे एक बार लॉगिन करने से 10 रुपए मिलते हैं तो ऐसे 10 बॉट्स बना के आप एक वेबसाइट में 5 मिनट में 1000 बार भी लॉगिन कर सकते हो। तो ऐसे में वेबसाइट को और उस कंपनी को दोनों को लॉस होगा और इसी से बचने के लिए रीकैप्चा होता है जो कि हर बार न्यू कोड से बना होता है और बॉट तो एक ही प्रोग्राम से रिपीटेडली रन किया जाता है और इसीलिए बॉट इसके आगे नहीं पढ़ पाता और वो इसी बटन पे रुक जाता है और इंसान अगर कर रहा है वो सिंपली इसके ऊपर टिक करके आगे चला जाएगा पर एक रोबोट नहीं जा पाएगा। नंबर 1, बिस्किट्स में ऐसे होल क्यों होते हैं? क्या इससे बिस्किट में कुछ फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि ये होल्स बस बिस्किट्स को अच्छा दिखाने के काम आते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। ये होल्स बिस्किट्स को क्रंची और अच्छे से पकाने में मदद करते हैं। फैक्ट्री में बिस्किट्स को शेप में काटने के बाद एक मशीन से जानबूझ के बिस्किट्स पे होल किए जाते हैं और उसके बाद उसे पकाने भेजा जाता है क्योंकि होल्स की वजह से बिस्किट अंदर और बाहर दोनों जगह से इवनली पकते हैं और कहीं से भी कच्चे नहीं रहते। क्योंकि अगर आपके पैकेट में कच्चे या बिना क्रंच वाले बिस्किट्स आ जाएंगे तो क्या आपको पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं। और बिस्किट्स को पकाने के साथ साथ ये होल्स बिस्किट्स को सेम शेप के करने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद आप ये जान गए होंगे कि बिस्किट्स पे ये होल किस काम के होते हैं। इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।